ये जी आपने कल जो है ना पूरे में आ गई है, और अगले दिन फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी थिकनेस नोट करेंगे, ठीक है जी। वर्नियर कैलिपर तीन मुख्तलिफ जगह से इसकी मेजरमेंट करेंगे। 5.5, 5.4 और ये है जी 5.3। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया कंप्लीट। अभी नोट करें जी वेट इन एयर रेट, नेक्स्ट जो टेस्ट है इसकी नोट करें 8.3.9 नोट कर लिए जी। ओके जी, अब इसका जो हम है वेट इन वाटर मालूम करेंगे। ये 3 से 4 मिनट तक पानी में रहेगी, तो ये आप स्टॉपवॉच उठाएं। यानी मिनिमम 3 मिनट मैक्सिमम 4 मिनट ये लाजमी रखें। ये ऑन कर दिया हमने स्टॉपवॉच। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो पानी यूज़ हो रहा है इसमें, इसका टेम्परेचर 21 से 25 तक होना चाहिए, उसकी रेंज में हो, क्योंकि इसका भी सेंटीग्रेड तो इसका भी बड़ा रोल होता है ना, फिर वो आपकी कंप्लेक्शन पे असर पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी हमने कम से कम 3 मिनट तक वेट करना है, तो मैं फिर आपको इसका जो है जो ये टाइम वो तो मुझे बताना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये कोरे हमने लिए जो पिछली मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, ये साइड पे ये सीरियल नंबर पर पड़ी है और फिर नंबर वाइज ही आएंगी फिर 8 वाली वो है 9 10। जो आपने इसके लिए ना थिकनेस हो वो 3 रीडिंग लेते हैं, फिर उसकी आगे एवरेज ली जाती है। सही इसका तरीका ये है जैसा ये टाइम पूरा हो गया जी, ठीक है जी। ये 3 मिनट पूरे हो गए, तो अभी हम वेट आप नोट करें जी 480.8 480.8 नोट किए जी सर। इसको आराम से निकाल के तो हम ले जाएंगे शाम के पास। ये देखेंगे मैंने इसमें रख दिया, अभी इसका SST वेट करेंगे। इसका ये तरीका है, आप एक टावल ले लें उसमें इसको 4 सेट्स ऐसी हो कि ये हाथ से टच हो। ये लिखें जी 841.6 नोट किए। ये हो गया जी कंप्लीट आपका टेस्ट। अभी इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करनी है जो मैं अभी करने वाला हूँ। 841.6 -480.8 या आ गया कि बल्क वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे लिखे 360.8 वेट इन एयर क्या है 833.9 और ये क्या है 360.8 तो ये आपके पास आ गया जी फील्ड डेंसिटी। ये लिखना 2.3111। अभी यहाँ पे आप लिखें हमारी जो GMB है 2.354। अभी आप इसके ऊपर डिवाइड करें, डिवाइड बाई 2.3554 × 100। तो जी ये आ गया आपकी 98.2, यह आप देख सकते हैं। तो ये हो गया जी आपका कंप्लीट टेस्ट।
रिक्वायर्ड 98 96 जी 98 98